सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विजया। आप सभी को देती हूं होली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फागुन की पूर्णमासी को आता है ये त्यौहार। कथा तो आपको मालूम ही है इसकी, भाई कैसे हिरण्यकश्यप जो के बेटे जो थे, जो प्रह्लाद थे, उन्होंने करा था विष्णु जी का जप तप। वो थे बहुत बड़े भक्त विष्णु जी के, और जब हिरण्यकश्यप को ये पता लगा कि उनका स्वयं का पुत्र है विष्णु भक्त, तो उन्होंने अपनी बहन जो थी होलिका, उनको बोला था कि इसको गोदी में लेके जला दो। वैसे भी उसको बहुत प्रह्लाद को प्रताड़ित किया गया था, बहुत मारा गया था, और उनको ऐसी ऐसी जगह पे मारते थे कि वो विष्णु जी की पूजा ना करें। राक्षसी प्रवृत्ति के थे, क्योंकि हिरण्यकश्यप स्वयं ही राक्षस थे। जब होलिका उनको लेके बैठी तो वो स्वयं जल गई थी, और प्रह्लाद जो है होलिका के जो आग थी उसमें से स्वयं बचकर आ गए थे। उसी दिन से होली का त्यौहार मनाया जाता है। फागुन की जो पूर्णिमा होती है उस दिन बहुत ज़्यादा महत्व है इस जो त्यौहार है इसका, जैसे दीपावली और होली। एक तो मौसम का बदलाव हो जाता है, इसके बाद गर्मियों की शुरुआत हो जाती है। अगर आप देवताओं की भी बात करें तो कौन से देवता नहीं हैं जो होली खेलते नहीं। आप कृष्ण जी की बात करें, कैसे फागुन रास रचा गया, कैसे वृंदावन में 20 दिन पहले से ही होली खेली जाती है, कैसे श्री कृष्ण स्वयं राधा और अपनी गोपियों के साथ इतना खुशी खुशी होली खेला करते थे। और अगर शिव जी की भी बात करें तो शिव जी जो है, शिव जी राख से होली खेलते हैं, जो शमशान की राख से है उससे होली खेलते हैं वो। आज भी मैं आपको उपाय भी बताऊंगी कैसे शिवलिंग को भी हम उपाय कर सकते हैं। आज ये जो कार्यक्रम है वो छोटे छोटे उपायों का है, कैसे हम करें छोटे छोटे उपाय और पाएं अपने हर कार्य की सिद्धि। ये वो दिन होता है दीपावली के बाद, जिस दिन आप कोई भी कार्य सिद्धि, कोई भी आपका काम अटक रहा हो, कोई बीमारी हो, कोई शत्रु दमन हो, किसी भी तरह का वशीकरण हो, आज के दिन करा करते हैं वो काम। ऐसा मुहूर्त रहता है आज के दिन कि वर्षों वर्ष तक आज के दिन अगर आप सही उपाय करें और सही तरीके से करें तो उसको कोई नहीं काट सकता, कोई नहीं आपको उस पे दोबारा बांध सकता। तो आज ही दिन हमको करना है, होली के दिन क्या क्या करना है मैं आपको बताऊंगी इस कार्यक्रम में, और आगे ये भी बताऊंगी अपनी राशि के अनुसार आप क्या क्या उपाय करें। पहले मैं बात करना चाहती हूँ उनसे जो किसी नज़र जिनको पीड़ित कर जाती है। आजकल मेरे पास 50% लोग ही आते हैं कि उसकी नज़र हमें लग गई, उसने हमें बुरा कर दिया, या वो हमसे जलता है, उसका कैसे हम इसका कैसे उपाय करें। होली की रात को आपको होली से शुरुआत करनी है, होली जिस दिन जलती है, हनुमान चालीसा पढ़ने की और हनुमान मंदिर जाने की, 5 लाल फूल आपको चढ़ाने हैं, हनुमान चालीसा वहीं बैठ के पढ़नी है। इसके बाद आपको 21 दिन तक यही कार्य करना है। किसी भी तरह का आपको नज़र दोष हो, किसी भी तरह का आप पर ऊपरी हवा का साया हो, कोई भी तरह की आपको ऐसा नकारात्मक शक्ति हो, आपके घर से वो हट जाएगी। इतना सुंदर मुहूर्त रहता है ये। इसके अलावा अगर आप बहुत समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, बहुत समय से अगर आपको लग रहा है कि आप पर कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं मिल रहा, या आप दवाई तो खाते हैं मगर उसका इलाज नहीं होता, या आपको वो लगती नहीं है, आप वो इलाज कर सकते हैं आज होली के दिन। आपको जो होलिका की राख होती है उसको जल में मिलाकर शिव जी को चढ़ाना चाहिए अगले दिन। आप अपने घर में भी वो राख थोड़ी सी रखें, जो होलिका दहन के बाद हम राख जलाते हैं ना, वो जो राख होती है जहाँ होलिका दहन हो जाता है, उस राख को अपने घर में भी रखें। उससे क्या होता है, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में नहीं आ सकती है।
कई लोग परेशान रहते हैं कि भाई पैसा नहीं आता, क्या करें, पैसे की बड़ी दिक्कत है, व्यापार नहीं चल रहा, कर्जे पे कर्जा हुआ जा रहा है। उनके लिए भी है आज के दिन बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उपाय जो वो करके अपना जो व्यापार है उसमें वृद्धि पा सकते हैं, और अगर उनके व्यापार को कोई नज़र लग गई है, कोई तरक्की रुक गई है, वो लोग भी इसको कर सकते हैं। आपको लेनी है 5 साबुत कौड़ियाँ, इस पे कोई गलत निशान ना हो, साबुत साफ सुथरी 5 कौड़ियाँ लेकर आपको होलिका दहन में उनको जला देना है। आप देखेंगे कि आपका जो व्यापार है वो दिनों दिन तरक्की करता चला जाएगा, और जो सुबह जाके उसकी राख लाके अपना जो गल्ला है उसके अंदर रख दीजिए, आप देखिएगा आपका जो व्यापार है वो बढ़ता चला जाएगा। एक और उपाय मैं आपको बताना चाहूँगी, कई लोग आजकल ग्रसित हैं कि संतान नहीं होती है, संतान का सुख नहीं है, बहुत समय से संतान नहीं हो रही है, उनके लिए है ये उपाय। एक चरखा ले, अगर पुराना कहीं से मिल जाए तो बहुत उत्तम है, वरना एक नया चरखा लेकर जहाँ पर होलिका जल रही है उसमें जलवा दें, देखिए आपके घर संतान जो है वो बहुत जल्दी होगी। साथ ही साथ आप संतान गोपाल यंत्र का भी पाठ करें, इससे आपके घर में होगी संतान। इस तरह के उपाय करके आप बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में बदल सकते हैं। छोटे छोटे उपाय ये करें आप होली के दिन, होली की रात को, किसी भी तरह की आपको जो परेशानी है उससे आप निजात पा सकते हैं। और अगर नहीं है तो भी आपको होली का व्रत जैसे हर्षो उल्लास के साथ किया जाता था पहले, आपको होली का व्रत रखना चाहिए। पूर्णमासी रहती है फागुन की, आपको शाम को जाकर वहाँ पर होलिका जहाँ जलती है वहाँ पर आपको जाके थोड़ा सा गुलाल आपको गिराना चाहिए, अनाज की उत्पत्ति होती है, कुछ चना लेके जाएं आप, अनाज गेहूं लेके जाएं आप, उसकी कलियां उनको भून कर अपने घर लाएं, थोड़ी सी राख अपने घर में लेकर आएं। अगर वैसे भी अपने घर में बरकत चाहिए आपको, थोड़ा सा गुलाल, एक और आपको उपाय बताती हूँ मैं, थोड़ा सा गुलाल अपनी चौखट पर गिराकर उस पर चौमुखी आप दीपक जरूर जलाएं। देखिए दिवाली पर तो सब जलाते ही हैं, मैं आपको कहूँगी कि आप होली पर भी आप चौमुखी दीपक अब रात को अपने घर के बाहर जलाएं, गुलाल से थोड़ी रंगोली बनाकर। आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होली की रात को कमलगट्टे की माला से या स्वेटिक की माला से लक्ष्मी जी का बीज मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालाय प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्माय नमः का जाप करें, देखिए आपके घर में दिनों दिन बरकत होती रहेगी और लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएंगी। महामृत्युंजय का जाप करना आज के दिन बहुत अच्छा रहता है, आपके घर में कोई बीमारी नहीं आती है। तो ये साल दिनों का त्यौहार है, अगर आपका कोई दुश्मन है ना उसके हाथ से कोई भी सफ़ेद चीज़ या कोई भी मिठाई लेकर आज के दिन अपने दुश्मन के हाथ से मत खाइएगा आप। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसका भी ध्यान कर आप एक मंत्र बोलें रात को होली की, ताकि वो आपके प्रेम में पड़ जाए। पर वो मंत्र है ओम कामदेव रूपाय नमः, पर आप ये उसी के लिए करें जो स्वयं आपसे प्रेम करता हो, हर किसी को ये नहीं करना है, और मैं पूरा भी इसीलिए नहीं बता रही ये मंत्र। तो इस तरह के आप छोटे छोटे उपाय अपने जीवन में करके होली के दिन अपना जो होली का त्यौहार है इसको वर्ष भर के लिए आप अच्छा बना सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी 12 राशियों अनुसार आपको क्या करने हैं उपाय, कि आपका वर्ष भर होली के दिन छोटे छोटे उपाय कर आपका वर्ष भर जो है सुंदर बना रहे। शुरुआत करती हूँ मैं मेष राशि के साथ। मेष राशि के जातक अगर होली के दिन तिकोना मूंगा अगर पहनते हैं अपने हाथ में सोने में या तांबे में जड़वाकर, तो वर्ष भर उनके लिए अच्छा बना रहेगा, खुशहाली उनके घर में आएगी। तिकोना मूंगा होना चाहिए और आपका जो जीवन है सफलता की ओर बढ़ता चला जाएगा। अब बात करती हूँ मैं वृष राशि के जातकों के लिए। वृष जाति के जो जातक हैं वो होली की रात को अपने घर के बाहर अबीर जरूर छिड़के, और होलिका दहन जहाँ पर हुआ है वहाँ जाकर भी अबीर छिड़के, और कोई भी सफ़ेद रंग की मिठाई छोटे बच्चों में अवश्य बांटें, आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए अगर आप हरे चने या गेहूं की बाल ले जाकर सेकते और उसको ग्रहण करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा, आप होली के दिन गायों को भी हरा चारा अवश्य दें। अब मैं बात करती हूँ कर्क राशि के जातकों के लिए।
कर्क राशि के जातक अगर होलिका दहन के दिन दो मोती ले जाकर उसमें जलाते हैं तो उनका वर्ष भर सुंदर बना रहेगा। छोटा सा उपाय है, करके दे जरूर देखिएगा। अब बात करती हूँ मैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातक अगर पंचमुखी या सात मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करते हैं तो उनका जीवन सफलता की ओर बढ़ता चला जाएगा। बहुत उत्तम मुहूर्त है ये पहनने के लिए रुद्राक्ष भी। अब मैं बात करती हूँ कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातक अगर अपने मस्तक पर होलिका की राख लगा कर आते हैं तो बहुत उत्तम रहता है। अपने व्यापार स्थल पे भी अगर वो थोड़ी सी राख होलिका दहन की रखते हैं तो उनका व्यापार दिनों दिन और रातों रात, दिन चौगनी रात दुगनी तरक्की करता चला जाता है। इसके बाद मैं बात करती हूँ तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातक अगर सुहाग सामग्री, याद रखिए हमेशा मैं उपाय में बताती हूँ किसी पंडिताइन को, किसी सुहागन को, पर इसमें मैं बता रही हूँ किसी भी छोटी जाति की महिला को सुहाग सामग्री अर्पण करते हैं तो उनका स्वास्थ्य, उनका कारोबार, उनका जो भाग्य है उत्तम तवा की ओर बढ़ता चला जाता है। वृष जाति के अगर जातक जाकर हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदरकांड करते हैं आज के दिन, तो बहुत उत्तम उनको फल की प्राप्ति होती है। धनु राशि के जातकों की बात करूं तो देखिए राहु परिवर्तन हुआ है, आपका अभी साढ़े साथी भी चल रही है, कई तरह की दिक्कत है आपके भाग्य में, तो आपको ज़रूर उपाय करना चाहिए होली के दिन अपना, ताकि आपका जीवन थोड़ा सा सुमग हो। आपको थोड़ी सी राख जल में जलाकर मिलाकर आपको शिवलिंग पे चढ़ानी चाहिए और वहीं बैठकर आपको महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। कम से कम 108 बार या 52 बार आप ज़रूर करें वहां बैठकर, ताकि जो आपका शारीरिक कष्ट आ रहा है ना वो मिट जाए। अब मैं बात करती हूँ मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों को 5 हकीक के पत्थर जो है आज के दिन ले जाकर जहाँ पर होली का दहन हो रहा होता है ना वहाँ जाकर जला कर आए। उसके बाद मैं बात करती हूँ कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों को आज के दिन 5 लौंग और काले तिल अवश्य ही जाकर होली का दहन में जलाने चाहिए और तिल की मिठाई जो है वो बांटनी चाहिए। मीन राशि के जातकों को आज के दिन पीला अबीर जो होता है वो विष्णु भगवान को, कृष्ण भगवान को, जिनको भी आप मानते हैं, मंदिर में जाकर ज़रूर चढ़ा कर आएँ। तो ये थी आपकी राशि के अनुसार सारे उपाय जो आप अपनी राशि के अनुसार करेंगे। अब मैं आपको अंत में इस कार्यक्रम के बताना चाहूँगी एक महा उपाय जो आपका जीवन के हर तरीके की परेशानी को दूर करेगा, जीवन से दरिद्रता ले जाएगा, आपके जीवन में जो खुशहाली लाएगा। आप लोगों को अपने पास 5 लौंग, 2 इलायची अपने शरीर से लगा के रखनी है। आप अपनी जेब में भी रख सकते हैं, उसको पूरा दिन आप अपने साथ रखिए पूर्णमासी के दिन, और शाम को जब संध्या काल में जब होली का दहन होता है ना तब उसको ले जाके जला दीजिए। उसी के साथ आपके जीवन के सारे जो कष्ट हैं वो भी कट जाएंगे। आप इस उपाय को करिएगा और मेरी मन से कामना है कि ये होली का त्यौहार आप सभी के लिए बहुत खुशी लाए, हंसी लाए और जीवन में तरक्की लाए। नमस्कार। होली है।